अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाई है बहुत ही मज़ेदार पुडिंग, जो कि हमने बिना एक के, बिना कंडेंस मिल्क के और बिना कस्टर्ड पाउडर के हमने ये बनाई है, बिना बीटर के। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, जब आप इसे बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये है बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। एक प्याली में लेंगे 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी, और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून गर्म पानी। कोई भी अपनी पसंद का ब्रांड आप ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसे एक साइड रखेंगे। यहाँ पर ये हमने 12 ओरियो बिस्किट लिए हैं हमने, तो सबसे पहले हम इनकी क्रीम को अलग कर लेंगे। क्रीम अलग करने के बाद यहाँ पर बिस्किट जो है इसका हम चूरा बना लेंगे। मिक्सी का जार ले लें या फिर आप बेलन से भी कर सकते हैं। कुछ ही सेकंड में पिस जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये बिल्कुल तैयार है, इसे भी एक साइड रखते हैं। अब फिर से एक प्याली लेंगे, यहाँ पर 4 टीस्पून लेंगे यहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर। नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा किया हुआ दूध डालेंगे इसमें थोड़ा सा, और इसकी स्लरी बना लेंगे। अब एक सॉस पैन लेंगे, इसमें डालेंगे हम 1.5 कप दूध। अब इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून चीनी। चीनी डालने के बाद जो बिस्किट क्रीम थी वो इसमें हम डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको घुलने देंगे, चलाते रहेंगे लगातार। और इसके घुल जाने के बाद यहाँ पर जो कॉफ़ी हमने घोल कर रखी थी वो इसमें हम डाल देंगे। अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें उबाल आने देंगे। उबाल यहाँ पर आ चुका है, तो 1 चुटकी यहाँ पर हम नमक डाल देंगे। अब जो सिलरी बनाकर रखी थी इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे, और इसको चलाते हुए इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से पकाएंगे इसको, ये गाढ़ा हो जाएगा। आप इसको लगातार चलाते रहें, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। और गैस का फ्लेम आप यहाँ पर लो कर दें। तो कुछ ही देर में यहाँ पर देखें, अच्छे से ये गाढ़ा हो चुका है। इस तरीके से गाढ़ा चाहिए बिल्कुल। तो लो फ्लेम पर यहाँ पर जब छोटे छोटे इसमें उबाल आने लगे इस तरीके से, तो यहाँ पर हमने गैस को बंद कर दिया है। अब इसे गैस से हटा लेंगे। अब इसी गर्म मिक्सचर में यहाँ पर हमने क्रीम चॉकलेट लिए है, तो ये इसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ पर हम 10 पीस डालेंगे। आप फ्रूट एंड नट या फिर डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से पिघल जाए। 5 यहाँ पर काजू लिए हैं, जिसको हमने अच्छे से क्रश कर लिया है, ये डाल देंगे। और थोड़े से ऊपर से गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। काजू का जो क्रंच आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो हो सके तो आप इसे ज़रूर डालें। तो देखें यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसका कलर जो है बिल्कुल डार्क हो चुका है। तो इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो चुका है नॉर्मल टेम्परेचर पर, अब इसे हम सेट करते हैं। इस तरीके के आप कोई भी छोटे गिलास ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी प्याली वगैरह ले सकते हैं जिसमें आपको सेट करना हो। पहले हम यहाँ पर एक बिस्किट की लेयर लगाएंगे। अब जो हमारा पुडिंग मिक्सचर है इसको डालेंगे। अच्छी तरह से फैलाएंगे इसको हम। अब इसमें हम फिर से बिस्किट की लेयर लगाएंगे, अच्छे से फैलाएंगे इसको भी। अब टॉप पर डाल देंगे हम ये पुडिंग। तो ग्लासेस में इसे हमने सर्व कर दिया है। अब इसे सेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज के अंदर 1 घंटे के लिए, ताकि ये ठंडी हो जाए और खाने में भी बहुत अच्छी लगे। तो इसे 1 घंटे बाद आपको दिखाते हैं। 1 घंटे बाद यहाँ पर एक कद्दूकस लेंगे, और एक चॉकलेट का टुकड़ा इस तरीके से उसको ग्रेट कर लेंगे। इसके ऊपर डालेंगे ग्रेट की हुई चॉकलेट। काजू, तो देखें यहाँ पर हमारी मजेदार सी चॉकलेट पुडिंग बनकर तैयार है, जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत कम सामान में बनी है। तो ये पुडिंग सबको भी पसंद आएगी, आप किसी भी दावत में, या फिर आप इसे गर्मियों में ठंडी ठंडी बनाकर सर्व कर सकते हैं। सभी को बेहद पसंद आने वाली रेसिपी है ये, तो जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें कमेंट करना ना भूलें। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।